हेलो ह्यूमंस, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइव फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, या फिर जिसको हम बिग फाइव फैक्टर भी बोलते हैं या ओशन मॉडल भी बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉडल है पर्सनालिटी का ट्रेट आस्पेक्ट में। तो हमने दो अप्रोच पढ़े थे, टाइप अप्रोच और ट्रेट अप्रोच। टाइप अप्रोच में हमने चार थ्योरी पढ़ी थी और उसके बाद हमने ट्रेट अप्रोच में भी चार थ्योरीज पढ़ी थी। तो बेसिकली ये फोर्थ थ्योरी है जो हमें पढ़नी है ट्रेट अप्रोच में। तो उससे पहले हम लास्ट वीडियो रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 10 मॉडल आई सिंक का। तो बेसिकली इसमें हमने पढ़ा था कि तीन डायमेंशंस होते हैं और ये बेसिकली ये जो थ्योरी है इसका जो ओरिजिन है वो बायोलॉजिकल है नेचर में। तो पहला था डायमेंशन न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। बेसिकली लोग खुद की फीलिंग्स पे कितना कंट्रोल रख सकते हैं ये उस डिग्री को डिनोट करता है। एक्सट्रावर्जन और वर्सेस इंट्रोवर्जन ये सेकंड था। तो बेसिकली लोग कितना सोशली एक्टिव है या रिजर्व्ड है वो हमें ये बताता है। और लास्ट था साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशेबिलिटी, जो कि हमें बताता है कि लोग कितना ज्यादा सोशेबल है या एंटी सोशल है। तो ये तीन हमने पढ़े थे। तो साइकोटिसिज्म में हमने पढ़ा था कि इसमें हॉर्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर एक रोल प्ले करते हैं, हॉर्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर। एक्स्ट्रावर्जन में हमने पढ़ा था कि कॉर्टिकल अराउजल रोल प्ले करता है और न्यूरोटिसिज्म में हमने पढ़ा था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रोल प्ले करता है। इसलिए ये जो भी है, ये जो थ्योरी है, इसका जो ओरिजिन है वो बायोलॉजिकल है। और आइसेंक ने बोला था कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को इंक्लूड करके वो एक इंसान की पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये था आइसेंक का 10 मॉडल। अब हम पढ़ लेते हैं फाइव फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी या बिग फाइव फैक्टर या ओशन मॉडल। तो उससे पहले हम थ्योरी पे जाएं, हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो अर्ली ट्रेट थ्योरीज, जो आइडिया था पर्सनालिटी ट्रेट्स का, उसकी काफी लंबी हिस्ट्री रही है। और जो अर्ली थ्योरीज थी उन्होंने काफी ट्रेट डायमेंशंस प्रपोज कर दिए थे, जैसे कि गॉर्डन एल्पर्ट ने 1930s में एम्फेसाइज की थी इंडिविजुअल ट्रेट्स की इम्पोर्टेंस। रेमंड कैटल ने फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेट थ्योरी डेवलप की थी जिसने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स को प्रपोज किया था। लेक्सिकल स्टडीज, 1960s में जो रिसर्चर्स थे उन्होंने लेक्सिकल हाइपोथेसिस यूज करना स्टार्ट किया था आइडेंटिफाई करने के लिए, या कैटेगराइज आइडेंटिफाई और कैटेगराइज करने के लिए पर्सनालिटी ट्रेट्स को। हाइपोथेसिस सजेस्ट करती है कि अगर एक ट्रेट इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल है, तो उसको हम लैंग्वेज में इनकोड कर सकते हैं। तो जो रिसर्च सेवरल रिसर्चर्स ने स्टडीज कंडक्ट की फैक्टर एनालिसिस यूज करके ट्रेट एडजेक्टिव्स पे लैंग्वेज डिक्शनरी से, जिससे कि वो डायमेंशंस को समझ पाए, अंडरलाइंग डायमेंशंस को समझ पाए। नॉर्मन सिंथेसिस, 1960s में वॉरन नॉर्मन जो थे उन्होंने जितनी भी पुरानी रिसर्च हुई थी पर्सनालिटी पे उनको सिंथेसाइज किया और कंडक्ट किया एक फैक्टर एनालिसिस पर्सनालिटी ट्रेट टर्म्स पे। उनको एविडेंस मिला 5 मेन डायमेंशंस को लेके, कौन कौन से? एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, कंसाइटिसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, जिसको बाद में न्यूरोटिसिज्म से रिप्लेस कर दिया गया उस टर्म को। और लास्ट था कल्चर या इंटेलेक्ट बेसिकली, जिसको बाद में ओपननेस टू एक्सपीरियंस से रीनेम कर दिया गया। फिर था कॉस्टा और मैककरेक का 5 फैक्टर मॉडल। तो 1980s में साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट मैककरे और पॉल कॉस्टा, इन्होंने नॉर्मन का वर्क एक्सपेंड किया और न्यू पर्सनालिटी इन्वेंट्री डेवलप की, न्यू पीआई जिसको हम बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा फेमस टेस्ट है साइकोलॉजी में। इन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च कंडक्ट की न्यू पीआई का यूज करके, फैक्टर एनालिसिस यूज करके, कंफर्म करके कि ये जो 5 फैक्टर स्ट्रक्चर है ये एग्जिस्ट करता है बहुत सारे कल्चर्स के अक्रॉस और बहुत सारी लैंग्वेजेस के अक्रॉस। और उन्होंने इस कल्चर या इंटेलेक्ट डायमेंशन को रीनेम कर दिया, जो बेसिकली कल्चर और इंटेलेक्ट वाला डायमेंशन था उसको उन्होंने ओपननेस टू एक्सपीरियंस इस चीज में रीनेम कर दिया, जिससे कि उसका जो भी वो कंटेन करता है, जो भी ट्रेड्स वो कंटेन करता है, वो बेटर रिफ्लेक्ट हो सके। फिर
फिर आते हैं नेक्स्ट पे, क्रॉस कल्चरल वैलिडेशन. तो मैक्रे और कॉस्टा की जो रिसर्च थी उसमें बहुत सारी क्रॉस कल्चरल स्टडीज हुई, जिन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया 5 फैक्टर स्ट्रक्चर की यूनिवर्सैलिटी को, बेसिकली वो कितना जनरलाइजेबल है. तो बेसिकली ये जो था FFM, इन्होंने फाउंड किया था कि लाइक ये डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट कल्चर्स में इसको किया जा सकता है, इस नियो पीआई को यूज किया जा सकता है, इन 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स को यूज किया जा सकता है लोगों की पर्सनालिटी डिस्क्राइब करने के लिए. फर्दर रिसर्च और एप्लीकेशन, इसके डेवलपमेंट से जो FFM था वो एक्सटेंसिवली स्टडी किया गया, वैलिडेट किया गया बहुत सारी पॉपुलेशंस में, कॉन्टेक्स्ट में, और इसको वाइड रिकॉग्निशन मिला और पर्सनालिटी साइकोलॉजी के फील्ड में इसको एक्सेप्ट किया गया. FFM को बहुत सारे डोमेन्स में अप्लाई किया गया, साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये सब यूज करके. ठीक है, FFM है क्या? 5 फैक्टर मॉडल. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, FFM क्या है? 5 फैक्टर मॉडल. और ये जो टर्म थी Big 5, ये किसने दी थी? लियू गोल्डबर्ग. किसने दी थी? लियू गोल्डबर्ग. ये क्वेश्चन पूछा जा ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने ये बता दिया है. सो आई होप यहाँ तक सब क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. ओशन, सो बेसिकली कौन कौन से 5 ट्रेट्स दिए मैक्रे और कॉस्टा ने, उसको हम ओशन में एक्सपैंड करेंगे. बेसिकली ओ से क्या है? ओपननेस टू एक्सपीरियंस. ये जो ट्रेट है ये रेफर करती है कि इंडिविजुअल कितना ओपन है, कितना क्यूरियस है, या फिर कितना ज्यादा वो विलिंग, कितनी ज्यादा उसमें विल है नए आइडियाज को या एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करने की. जो लोग ओपननेस में हाई होते हैं वो बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं. और वो लोग जिनमें जिनका लो स्कोर आता है ओपननेस में, वो कन्वेंशनल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं. फिर सी से क्या है? कंसाइटियसनेस. ये जो ट्रेट है ये रिफ्लेक्ट करती है 4 डिग्री, जो कि बताते हैं कि एक इंसान कितना ऑर्गेनाइज्ड है, या फिर रिस्पॉन्सिबल है, या गोल ओरिएंटेड है. तो जो जिनका कौन जो कंसाइटिसनेस में हाई स्कोर करते हैं वो टिपिकली वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, डिलिजेंट होते हैं. और जो लो होते हैं कंसाइटिसनेस में, वो काफ़ी स्पॉन्टेनियस होते हैं, डिसऑर्गेनाइज होते हैं, केयरलेस होते हैं. एक्स्ट्रोवर्जन क्या होता है? ये वो ट्रेट है जो कि एक इंडिविजुअल के लेवल ऑफ आउटगोइंगनेस या सोशेबिलिटी को रेफर की जाती है. जो लोग एक्स्ट्रोवर्जन में हाई होते हैं वो यूजुअली बहुत एनर्जेटिक होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, सोशल इंटरेक्शन सीक करते हैं. और वो जो कि लो होते हैं एक्स्ट्रोवर्जन में, वो काफ़ी रिजर्व्ड होते हैं, इंट्रोवर्टेड होते हैं, और वो सॉलिट्यूड प्रिफर करते हैं. फिर है एग्रीएबलनेस. ये जो ट्रेट है ये रिफ्लेक्ट करती है कि इंसान की टेंडेंसी कि वो कितना कंपैशनेट हो सकता है, कोऑपरेटिव हो सकता है, या एम्पैथेटिक हो सकता है दूसरों को लेके. जो हाईली एग्रीएबल इंडिविजुअल्स होते हैं वो बहुत काइंड होते हैं, कंसिडरेट होते हैं, ट्रस्टिंग होते हैं. जबकि वो जिनका लो स्कोर आता है एग्रीएबलनेस में, वो कॉम्पिटिटिव होते हैं, स्केप्टिकल होते हैं, और असर्टिव होते हैं. न्यूरोटिसिज्म को हम और क्या बोलते हैं? इसको हम इमोशनल स्टेबिलिटी बोलते हैं. और ये लास्ट फैक्टर है. ये जो ट्रेट है ये डिस्क्राइब करती है कि एक इंडिविजुअल को कितने ज्यादा नेगेटिव इमोशंस आते हैं, जैसे कि एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, या मूड स्विंग्स. तो वो लोग जो कि न्यूरोटिसिज्म में हाई होते हैं वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, वो ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, वो वरी ज्यादा करते हैं. और वो लोग जो न्यूरोटिसिज्म में लो स्कोर करते हैं वो इमोशनली स्टेबल होते हैं, काम होते हैं, रेजिलियंट होते हैं. तो ये 5 हमने पढ़ लिए, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कंसाइटियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म. एक बार हम देख लेते हैं. ओपननेस जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इमेजिनेशन, फीलिंग्स, एक्शंस, आइडियाज. अगर लो स्कोर है तो लोग कैसे होंगे? प्रैक्टिकल, कन्वेंशनल, और जिनको रूटीन पसंद है. अगर हाई स्कोर है तो इसमें ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है और ये इंडिपेंडेंट होते हैं. दूसरा क्या है? कंसाइटेसनेस, जो कि क्या बताता है? कंपीटेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, थॉटफुलनेस, गोल ड्रिवन. अगर लो स्कोर है तो ऐसे लोग
लोग केयरलेस डिसऑर्गेनाइज होते हैं, हाई स्कोर है तो हार्ड वर्किंग होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। फिर आ जाते हैं एक्सट्रोवर्जन पे, जो कि असर्टिवनेस, सोशेबिलिटी, इमोशनल एक्सप्रेशन, ये सब कुछ डिनोट करता है। अगर लो स्कोर है तो लोग क्वाइट है, रिजर्व्ड है और सोशल इंटरेक्शन से विदड्रॉ करते हैं। अगर हाई स्कोर है तो लोग आउटगोइंग है, वार्म है, एडवेंचर सीख करते हैं। फोर्थ है एग्रीएबलनेस, जिसमें ट्रेट्स आती हैं कोऑपरेटिव, ट्रस्टवर्दी, गुड नेचर्ड। अगर लो स्कोर है तो ऐसे लोग क्रिटिकल होते हैं, अनकोऑपरेटिव होते हैं, सस्पिशियस होते हैं। अगर हाई स्कोर है तो ऐसे लोग एम्पथेटिक होते हैं या हेल्पफुल होते हैं, ट्रस्टिंग होते हैं। और लास्ट है न्यूरोटिसिज्म, बेसिकली अनस्टेबल कोई कितना इमोशनली। तो अगर लो स्कोर है तो ऐसे लोग काम है, इवन टेम्पर्ड है, सिक्योर है। अगर हाई स्कोर है तो लोग एंशियस है, अनहैप्पी हैं, उनको नेगेटिव इमोशन ज्यादा आते हैं। सो दैट वाज इट। ये जो पार्ट है ये कम्प्लीटली एनसीईआरटी से लिया गया है, तो लेट्स जस्ट स्टडी इट वंस और ये बेसिकली रिविजन हो जाएगा पूरा। तो ये जो थ्योरी थी ये पॉल कॉस्टा और रॉबर्ट मैकक्रे ने दी थी, और ये इसमें 5 फैक्टर इंक्लूडेड होते हैं। पहला, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। दोज हु स्कोर हाई ऑन दिस फैक्टर आर क्यूरियस, इमेजिनेटिव एंड ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, एंड दोज हु स्कोर लो ऑन दिस फैक्टर आर रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। फिर है एक्स्ट्रावर्जन, दोज हु स्कोर हाई ऑन दिस फैक्टर आर सोशेबल, आउटगोइंग, एंड दोज हु स्कोर लो ऑन दिस फैक्टर आर रिजर्व एंड प्रिफर टू स्टे अलोन। एग्रीएबलनेस, दोज हु स्कोर हाई ऑन दिस फैक्टर आर काइंड, कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली, वाइल दोज हु स्कोर लो ऑन दिस फैक्टर आर सेल्फ सेंटर्ड एंड ईगोस्टिक। न्यूरोटिसिज्म, दोज हु स्कोर हाई ऑन दिस फैक्टर आर इमोशनली अनस्टेबल, एंशियस, मूडी, एंड दोज हु स्कोर लो ऑन दिस फैक्टर आर काम, पेशेंट एंड इमोशनली स्टेबल। एंड लास्ट इज कंसाइटियसनेस, दोज हु स्कोर हाई ऑन दिस फैक्टर आर गोल ओरिएंटेड एंड डिलिजेंट, एंड दोज हु स्कोर लो ऑन दिस फैक्टर आर केयर फ्री एंड इम्पल्सिव। आई होप इट्स क्लियर, ये थ्योरी क्लियर हो गई आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सो हम टाइप अप्रोच और ट्रेट अप्रोच कंप्लीट कर चुके हैं, चार चार थ्योरी हम दोनों में पढ़ी थी हमने, एंड वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल नाउ। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।